मध्य प्रदेश सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत और कुछ ही बयां हो रही है। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, जिस कारण उन्हें काफी जद्दोजहद करना पड़ती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का हाल भी यही बना हुआ है। करीब एक दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं कि जहां पर महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए महिलाएं एक वर्ष से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। महिलाओं का कहना है कि हमने 3-3 बार आवेदन दिए हैं, पंचायत हमारी कोई सुनवाई नहीं करती है, इसलिए अब हम कलेक्टर भूमि मित्तल से गुहार लगा रहे हैं। लोकल 18 की टीम को सांडस कला गांव की परमिला बाई ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे गांव में करीब 50 से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जिनको लाडली बहना योजना का एक वर्ष से लाभ नहीं मिल रहा है। हमने पंचायत में 3-3 बार आवेदन किए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा कोई निराकरण नहीं हो रहा है। तो वही पाटोंडा की रूबीना भी का भी कहना है कि हमारे गांव की भी करीब 50 महिलाएं ऐसी है कि जिनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हम सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि हम पात्रता रखते हैं, लेकिन हमारा कोई निराकरण नहीं हो रहा है। जब इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी कलेक्टर वीर सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलने की समस्या सामने आई है, शासन स्तर पर पत्राचार कर उनका निराकरण कराया जाएगा। अभी आवेदन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है, जैसे ही आती है इसके आवेदन भी लिए जाएंगे। पंचायत में बताया आपने? हाँ बताया हमने। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मैं आपका कहाँ से आया आप? क्या समस्या आपकी? हमारे को 12 महीने हो गया सर, पैसे नहीं मिल रहे। काहे के पैसे? लाडली बहना। लाडली कितनी महिला है गांव में? हमारे गांव में कोई 50 महिला। पैसे नहीं मिल रहे उनको? नहीं। आप क्या चाहते हो? हमारे को पैसे मिलने को ना। क्या नाम आपका?